वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 to 3 या बेबी गर्ल के लिए ऑर्गेंजा फ्रॉक की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। ये मैंने बलून पैटर्न में बनाया है और ये मैंने बैकलेस डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें, और यहाँ देखिए इलास्टिक लगाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी टॉप की कटिंग कर लेते हैं। टॉप के लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ 4 फोल्ड किया हुआ है। अस्तर की मार्किंग हमें पहले करनी है और बाद में हम इसे मेन फैब्रिक के कट करेंगे। तो यहाँ टॉप के लिए लेंथ मैंने 10.5 इंचेस रखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है शोल्डर के लिए 4.5 इंच पे। यहाँ से हम नीचे 5 इंच तक इसे बढ़ा लेंगे आर्म होल के लिए और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हमें फिटिंग की मापी लेनी है, तो फिटिंग के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं 7 इंचेस, और वेस्ट की फिटिंग भी हम यहाँ पर लेंगे 7 इंचेस। तो दोनों लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे, और मार्जिन यहाँ पर आप लगभग 1 इंच का ले सकते हो। मैं 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर दे रही हूँ। इस तरह से लाइन को मिला लेना है। अब नेक के लिए फ्रंट में यहाँ पर मार्किंग लगाएंगे। तो अब हमें चलिए नेक की मार्किंग कर लेनी है। नेक के लिए हम यहाँ मार्क करेंगे 1.75 इंच पे, और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे, और इसे हम लेना है 3.5 इंच तक, और इस तरह से हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमारा ये राउंड नेक ही रहेगा। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को अलग कर लेना है। बैक पार्ट में हमें थोड़ी कटिंग और करनी है, तो बैक पार्ट को हम इस तरह से वापस से फोल्ड कर लेंगे, और इसे हम पिनअप कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा जो इधर उधर ना हो। पे पिनअप कर लेने के बाद अब ऊपर से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच यहाँ तक। सीधा लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है हमें, जहाँ हमने 5 इंच पे मार्किंग लगाया था वहाँ से, और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट में आएगा। अब चलिए बैक और फ्रंट को हम अपनी मेन फैब्रिक में बैठा करके और स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीधी साइड को ऊपर की साइड पे रखना है, और अस्तर का जो हमारा सीधा साइड है इस तरह से रखेंगे हम, और इसे हम पिनअप कर लेते हैं, और पिनअप करके फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सो अब हम नेक पे और आर्म होल पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन लगाते हुए सिलाई कर लेना है, और इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी इस तरह से बैठा लेंगे, और फिर इसमें भी हम पिनअप कर लेंगे, और फिर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें सिलाई हमें ऊपर की नेक पे नहीं लगानी है अभी। इसमें हमें बस आर्म होल पे और ये वाली नेक पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसे सिल करके एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिया है। बैक पार्ट में भी हमने ये अभी सिलाई नहीं किया ऊपर की नेक को, और इसे हम जो हमने सिल लिया है इसमें हम जो इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेंगे, और कट लगाने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, और बैक पार्ट को भी हम इसी तरह से सीधा करेंगे। तो ऊपर में हमने ये पिनअप करके रखा था, और नेक को हमने बिल्कुल बराबर करके कट कर लिया था मेन फैब्रिक के जैसा, और इसे भी हम अब सीधा कर लेंगे इस तरह से कट लगा करके। तो सारे कोन्स को अच्छे से हमको निकाल लेना है। अब हम इसमें जो नेक है ऊपर वाली उसे भी हम सिलेंगे। तो देखिए, इसे सिलने के लिए हमें इसे इस तरह से पलटना है और इसे सिलते जाना है, तो जो कपड़ा आएगा वो अंदर की ओर हम इसे डालते हुए, और इस जो
जो नेक है ऊपर वाली उसे हम पूरी तरह से सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद यहाँ भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इसे हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो इसे सीधा करने के बाद हम अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें ऊपर से एक सिलाई दे देंगे। तो मैंने इसे ऊपर से भी अच्छे से सिल लिया है। अब हमें जो हमारा नीचे का स्कर्ट है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है। अस्तर को हमने मेन फैब्रिक से कम रखा है, तो अस्तर हमारा 13 इंच का है और मेन फैब्रिक हमारा 19 इंच का है। तो एक पार्ट को हमें लेना है और ये हमारा मेन फैब्रिक का सीधा वाला साइड है और इस पर हम अपने अस्तर को इस तरह से रखेंगे और नीचे की साइड को हमें सिल लेना है क्योंकि ये हमारा बलून पैटर्न में बनने वाला है। तो इस तरह से सीधा सिलाई लगाते हुए हमें इसे सिलना है और इसके बाद इसे हमें इस तरह से एक सिलाई ऊपर से हमें लगानी है। ताकि हमारा जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। अब हम इसे ऊपर से मिलाते हुए इस तरह से सीधी सिलाई कर लेंगे और सेम हमने दूसरे साइड को भी इसी तरह से सिल करके तैयार करना है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो तिरछा कपड़ा को हम कट कर लेंगे। तो अब एक साइड पे हमें फ्रंट वाले हिस्से में छोटी छोटी चून बनानी है। इस तरह से हमें छोटी छोटी चून बनानी है पूरे में। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है चून लगा करके। अब इसे हम टॉप के साथ बैठाएंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो एक एक चून हम साइड से खोल लेंगे। अब इसे इस तरह से बैठा करके इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट को हमने चून अच्छे से हमने टॉप पार्ट में बैठा लिया है बट बैक पार्ट में हमारा इलास्टिक लगेगा। तो बैक पार्ट को हमें लेना है और इसे भी मैंने इसी तरह से तैयार किया है। ऊपर वाली पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आप इसे सिले इस तरह से फोल्ड करके। ज़्यादा अगर सिलेंगे तो लंबाई में आपकी कम पड़ सकती है। तो यहाँ मैंने इसे सिल लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अपना टॉप का पार्ट लेना है बैक साइड वाला और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इलास्टिक लेनी है। इसे मैंने बस एक इंच कम रखा है टॉप से और इसे अब हम अपने जो स्कर्ट है बैक पार्ट की ये यहाँ पे हम बैठा करके इसे पूरे में लगा लेंगे। तो इस तरह से खींचते हुए आप इलास्टिक को पूरे में लगा लें। तो ये हमने एक साइड पे अच्छे से लगा लिया है। अब हमें ऊपर से एक सिलाई और लगाना है ताकि हमारा इलास्टिक है जो वो मुड़े ना। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को अच्छे से लगा लिया अपने स्कर्ट में। अब इसे हम टॉप में बैठाएंगे। तो इस तरह से हमें बैठाना है, ठीक है। तो चलिए हम एक साइड से इसे सिलते हुए जाते हैं।
तो इसी तरह से हमें अपने दूसरे वाले साइड पे भी इसे बैठाना है और सिलना है। तो इसे हमें ऊपर से ही बैठा करके सिलना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से लगा के तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की शोल्डर को बैठा करके हम यहाँ पे सिलेंगे और फिर इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है, अब हमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो फिटिंग के लिए हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ स्कर्ट के पैटर्न में थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है वो हम कट करके बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ हमने फिटिंग की सिलाई दे दी है। ये देखिए बैकलेस हमारा कितना अच्छा लग रहा है, बट हम इसमें स्ट्रिप लगाने वाले हैं बैक पार्ट में। तो ये वाला हमने इसका स्ट्रिप बनाना है। तो एक लंबी सी पट्टी हमने यहाँ कट की हुई है, इसकी लेंथ यहाँ पे 21 इंच है और चौड़ाई यहाँ पे मैंने लगभग ली हुई है 7 इंच की। इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये मेरा 2 पीस है। फोल्ड करने के बाद इसमें हमें कुछ शेप देना है इस तरह से, ठीक है, और इसे हम कट कर लेंगे अभी। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया है, एक एक पार्ट को लेकर के हमें इसे सिलाई लगाना है बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो इस तरह से सिलने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अच्छे से कोन को आप निकाल लें इस तरह से। और अब हम इसे ऊपर से बैठाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे इसकी। तो देखिए दोनों साइड्स को हमने तैयार कर लिया है, अब इसे हम अपनी फ्रॉक में अटैच करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें यहाँ पे इसे बैठा करके सिलना है, दोनों पार्ट को दोनों साइड में सिल लेंगे इस तरह से। देखिए हमने कितने अच्छे से इसे सिल लिया है और अब इसे हम इस तरह से बांधते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसमें आप बो बनाए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इसे टाई करना है अच्छे से। तो ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट हमारा आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, काफ़ी सिंपल लग रहा है इसलिए हमने यहाँ पे बो तैयार किया बड़ा सा। अगर आपको बो बनाने नहीं आता है तो मैं उसकी लिंक आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप बना सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पर बो लगा लिया है और ये हमारा बैक पार्ट का डिज़ाइन है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।